students, this is Dr. Garima Singhkant and I welcome you to Prioris Institute of Education. You already know it. हम क्या पढ़ रहे हैं साथ में? We are studying NEET for class 11th, targeting NEET 2024. और यहाँ पर हमारे platform पर आपको NEET 11th class का syllabus पूरा पढ़ाया जाएगा बेटा, एकदम free of cost. आपको कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है. आपको कुछ पे नहीं करना है. पूरी 11th क्लास आप हमारे साथ फ्री में पढ़ सकते हो. ठीक है, तो आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि प्राडेस एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं. हम क्लासेस केजी से लेकर क्लास 12 तक का पूरा करिकुलम पढ़ाते हैं. एंड वी ऑफर मच मोर, बहुत सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं. अभी हमारा एक ऑफर प्राइस भी चल रहा है जिसमें 30,000 हमारा डिफॉल्ट पैकेज है, बट अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करोगे प्राडेस अंडरस्कोर 2025 तो आपको जो ऑफर प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 8999. तो अगर आप चाहें इंडिविजुअल अटेंशन या फिर 3D वीडियोस एक्सेस करना चाहते हैं, स्टोरीज के फॉर्मेट में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अलग अलग गेम्स की तरह हेल्प से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर ऑल द क्लासेस. उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? क्लासरूम वीडियोज़ मिलेंगे, 3D वीडियोज़ मिलेंगे, यू विल गेट आर लेक्चर वीडियोज़ ऑल्सो देयर, स्मार्ट बोर्ड की रिकॉर्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, यू विल बी फाइंडिंग लाइव लेक्चर्स, और वो लाइव लेक्चर्स आप दोबारा भी देख सकते हो, रीसेंट लाइव स्ट्रीम दिखती है आपको वहाँ. पूरा कंटेंट अवेलेबल है, पूरा फ्री सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. अदर देन दैट, प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स और पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस, वी प्रोवाइड यू एवरीथिंग. इफ यू वांट, यू कैन ऑप्ट फॉर द पेड सब्सक्रिप्शन आल्सो. बट जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो तो बेटा कंप्लीटली फ्री है. ठीक है, उसमें आपकी प्रैक्टिस कराना, आपको वर्कशीट सॉल्व करवाना, क्लासेस लाइव आपको देना, क्लास में आपके डाउट क्लियर करना, एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू फॉर नीट 2024 एब्सोल्युटली फ्री. सो नो हिडन चार्जेस इंक्लूडेड, वी विल बी टीचिंग यू एब्सोल्युटली फ्री द एंटायर करिकुलम फॉर नीट क्लास 11th. ओके, दिस इज योर टाइम टेबल बेस्ड अपॉन विच यू विल बी गेटिंग ऑल योर लेक्चर्स हेयर ऑन यूट्यूब. सो हैव अ लुक एट योर टाइम टेबल एंड स्टक विद इट. ठीक है, सो अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना, टाइमली डेली पढ़ाई करना, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जितनी कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करोगे, जितने एंथुजियाज्म और जील के साथ आप पहले दिन से पढ़ोगे, आपके लिए आपका टारगेट अचीव करना उतना ईजी हो जाएगा. और टारगेट अचीव ही तो करना है. एग्जैक्टली राइट, टारगेट क्या है? डॉक्टर बनना है. और डॉक्टर बन के रहेंगे, कोई ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि ड्रॉप ईयर जाए, कुछ जाए, पहले अटेम्प्ट में नीट फोड़ के दिखाएंगे. तो चलो इसी जज्बे के साथ स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास, जो कि है हमारा सेकेंड लेक्चर फॉर द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज द थर्ड यूनिट इन क्लास 11th, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने स्टार्ट किया है. लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ देखा बेटा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि ठीक है एक सेल क्या होता है, लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हमें पता चला अच्छा माइक्रोस्कोप एडवांस होता जा रहा है जिसके कारण हम स्ट्रक्चर्स पढ़ पा रहे हैं, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. आज की क्लास में हम डील करेंगे विथ द प्रोकैरियोटिक सेल. लास्ट क्लास में ये पता चल गया था हमें कि सेल्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स, सेल्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स, वन कैन बी प्रोकैरियोटिक, द वंस व्हिच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, वो थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स. और दूसरे कौन है? जिनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो है हमारे यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स. आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स इन डिटेल इन द क्लास टुडे. सो आई होप एवरीवन इज रेडी. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो हमें दिखाई देता है एक डायग्राम जिसमें हमें सबके साइजेस का टेंटेटिवली अंदाजा दिया गया है. क्या बताया है हमें कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइज में काफी बड़ा होता है, 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर्स तक की इसकी अप्रोक्सीमेटली साइज होती है. देन इफ यू लुक एट अ टिपिकल बैक्टीरिया, अ टिपिकल बैक्टीरिया माइंड यू इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 1 to 2 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, तो इसका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर्स टेक्स्ट में लिखा था, यहां पर लिखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर्स भी हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 5 के बीच में आपको बैक्टीरियल सेल्स का साइज मिल जाएगा. देन यू कैन फाइंड पीपीएलओ. पीपीएलओ क्या है? माइकोप्लाज्मा को बिलोंग करने वाले सेल्स हैं. तो माइकोप्लाज्मा इज अ ब्रॉडर ग्रुप जिसमें आपको पीपीएलओ भी मिलेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इन पीपीएलओ का साइज होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर्स. तो माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ में काउंट कर रहे हैं, पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा में, ये उसी को बिलोंग करता है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स हैं, तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है. देन यू हैव वायरसेस. वायरसेस सेल नहीं है,
और सबसे छोटे हैं साइज में. तो वायरसेस का साइज है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर्स, बट दे आर सबसेल्युलर. इनके पास एक कंप्लीट सेल नहीं होता है. दैट्स द रीजन व्हाई यू डोंट कंसीडर देम टू बी लिविंग. दे आर बॉर्डरलाइन, इसलिए ने बीच में रखा है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है. तो इसीलिए इनको सेल्स में कंसिडर नहीं किया जा रहा है. इसलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कोई पूछ लेता है तो वो माइकोप्लाज्मा ही आंसर में जाता है. ठीक है, माइकोप्लाज्मा दिया हो तो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ दिया हो तो पीपीएलओ, जो है आपके पास ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो. अब देखो यहां पर हमें यही चीज बताई है कि इसमें आता क्या क्या है. अब जब जब इसकी बात करेंगे बच्चों, हमें देखने को मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और सारे प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं टू प्रोकैरियोट्स. सबके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल नहीं है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल नहीं है. ये लोग जनरली कैसे होते हैं, साइज में ये लोग जनरली होते हैं काफी छोटे. तो साइज में होंगे ये स्मॉलर और रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब काफी जल्दी जल्दी अपना काउंट बढ़ाएंगे. एंड इफ दे आर रैपिडली डिवाइडिंग, विच मीन्स कि इनकी जो आर वैल्यू है काफी ज्यादा है, फटाफट फटाफट डिवाइड करेंगे. और ये यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े स्लोअर होते हैं, उनके पास ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पूरा को रेप्लिकेट करना, कॉपी करना टेक्स टाइम. बट यहां पर लिमिटेड चीजें हैं, सेल ऑर्गेनल्स है नहीं, तो यहां पर सेल का मल्टीप्लीकेशन या फिर सेल का डिविजन काफी क्विक रहता है. तो ये आपको काफी जल्दी डिवाइड होते दिखेंगे. साइज छोटा है, हम बात कर चुके हैं. अगेन ये भी साइज और शेप में वेरी करते हैं, तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं. अब इसी में हम अगर बात करेंगे ना बैक्टीरिया की, इसमें हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं. बैक्टीरिया कॉमनली होते हैं चार मेन शेप्स के. कुछ बैक्टीरिया होंगे जो स्पेरिकल से होंगे, उन स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाए. व्हाट डू यू कॉल देम, वी कॉल देम कोकाए. सो कोकाए आर स्मॉल राउंड स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया. दे कैन बी लिविंग सिंगुलरली, अलग 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 अलग, और दे कैन बी लिविंग इन चेन्स, साथ में चेन बना के या क्लस्टर बना के भी रह सकते हैं. तो अगर ये चेन बना के रह रहे हैं तो हम इन्हें बुलाते हैं स्टेफाइलोकोकस. क्लस्टर में रहते हैं तो इन्हें हम बुलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. दो साथ में रहते हैं तो बुलाते हैं डिप्लोकोकस. पर कोकस वर्ड यूज करते हैं. क्यों यूज करें कोकस वर्ड, बिकॉज कोकाए स्टैंड्स फॉर सर्क्यूलर साइज. सो दे आर सर्क्यूलर इन शेप, नॉट इन साइज, दे आर सर्क्यूलर इन शेप. देन वॉट यू हैव नेक्स्ट इज बैसिलिस. वॉट इज बैसिलिस, बैसिलिस इज रॉड शेप्ड. तो जब भी आपको बैक्टीरिया रॉड के शेप का दिखेगा तब आप इसे बैसिलिस बुलाओगे. सो बैसिलिस मीन्स रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. सो दीज आर योर बैसिलाए, दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. देन मूविंग अहेड वी हैव, देन मूविंग अहेड वी हैव विब्रियो. विब्रियो, विब्रियो स्टैंड्स फॉर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. तो अगर आपको आपका बैक्टीरिया कॉमा के शेप का दिखे, कॉमा के शेप का दिखे, तो इसे हम बुलाते हैं बच्चों विब्रियो. इसे हम बुलाते हैं विब्रियो. व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव इज स्पाइरेला. स्पाइरेला, व्हाट इज स्पाइरेला, इफ द बैक्टीरिया लुक्स लाइक अ थ्रेट टू यू, इफ इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल थ्रेट टू यू, देन यू कॉल इट स्पाइरेला. सो इफ इट लुक्स स्पाइरल, इफ इट लुक्स थ्रेड लाइक एंड स्पाइरल, देन यू कॉल इट स्पाइरेला. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बैक्टीरिया चार मेन शेप्स के हो सकते हैं. इट कैन कम अप एज अ मैच द कॉलम क्वेश्चन टू यू कि व्हाट स्टैंड्स फॉर व्हाट, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. सो बैसिलाए इज रॉड शेप, कोकाए इज स्फेरिकल, विब्रियो इज कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरेला इज स्पाइरल शेप्ड. सो दीज आर द वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट वी हैव. मूविंग अहेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल की, उसके लिए लिखा है बुक में कि वो फंडामेंटली सिमिलर होती है. फंडामेंटली सिमिलर होती है इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस. तो कह रहे हैं कि जब भी आप एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो उनके अंदर आपको बेसिक चीजें सारी की सारी एक जैसी दिखती हैं. फंडामेंटली दे आर वेरी सिमिलर, भले ही वो अलग अलग काम कर रहे हों, भले वो कितनी भी अलग अलग शेप्स में क्यों ना होते हो, बट उनके अंदर मिलने वाले स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे सेम. तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी आप बात करोगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी आप बात करोगे, कुछ चीजें आपको कॉमनली देखने को मिलेंगी. व्हाट विल यू बी सीइंग, यू विल बी सीइंग दैट द सेल विल ऑलवेज हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, द सेल विल ऑलवेज हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज अ सेल विदाउट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नथिंग. तो मुझसे पिछली क्लास में एक बच्चे ने पूछा भी कि मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है. भैया देखो सेल है, सेल के अंदर के कॉम्पोनेंट्स है, सेल के अंदर के कॉम्पोनेंट्स को बाहर की इन्वायरमेंट से जो सेपरेट करके रख रहा है, जो उसकी बाउंड्री सेट कर रहा है, उस वाली लेयर को हम कहते हैं या उस वाले एनवेलप को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यू ऑल्सो कॉल इट एज द सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, डीलिमिटिंग सा स्ट्रक्चर है,
विच यू विल बी फाइंडिंग आउटसाइड द कंटेंट्स ऑफ द सेल. तो जितना भी सेल के अंदर चीजें हैं, जो भी साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है, फ्लेक्सिबल होती है. तो इसके बारे में खूबियां, इसकी खासियत हम आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए आप क्या समझोगे कि सेल को बाहर की दुनिया से जो अलग करके रख रहा है वो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हम ये चीज समझ गए हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यू विल बी फाइंडिंग इसका जेनेटिक मटीरियल ओवर है. तो इसका जो भी जेनेटिक मटीरियल है, इसका डीएनए, वो आपको यहां पर डायरेक्टली दिखाई देगा साइटोप्लाज्म में. इसके अराउंड मैं कोई कवरिंग, कोई एनवेलप, कोई रैपिंग नहीं बनाऊंगी. व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, यू विल बी फाइंडिंग कि इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में इसका जेनेटिक मटीरियल ऐसे ही एक जगह पर पड़ा हुआ है. सो इफ यू फाइंड द जेनेटिक मटीरियल, इफ यू फाइंड द डीएनए डिस्पर्स्ड जस्ट लाइक दैट इन द साइटोप्लाज्म, देन यू कॉल सच सॉर्ट ऑफ मटीरियल एज न्यूक्लियोइड. तो यहां पर हम इसे न्यूक्लियस ना बुलाते हुए बच्चा न्यूक्लियोइड बुलाते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस ना बुलाते हुए न्यूक्लियोइड बुलाते हैं. ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, मेन जीनोमिक डीएनए, और ये मेन डीएनए है जिसके अंदर उसकी मेन पूरी इंफॉर्मेशन है. जितनी भी फंक्शंस उसको करने हैं, जो भी उसको करना है, सारी की सारी मेन इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है. तो सारी मेन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मेन जीनोमिक डीएनए में. ठीक है, तो इसका मेन क्रोमोसोमल या मेन जीनोमिक डीएनए होगा. अब यहां पर आप ना कुछ और चीजें भी देखोगे कि इसके अलावा भी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है. क्या होता है, क्यों होता है, वो अपन आगे देखते हैं. हमने क्या देखा, एक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और उसके अंदर पड़ा हुआ उसका जेनेटिक मटीरियल या फिर उसका डीएनए, जो उसका मेन डीएनए है, जिसे मैं कह रही हूं जीनोमिक डीएनए. बाकी इसके अलावा आपको बैक्टीरिया में हो सकता है बच्चा सेल वॉल देखने को मिले, सेल वॉल देखने को मिलेगी, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी. सो इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर. अब ये मे नॉट बी क्यों है मैम, मे नॉट बी इसीलिए है बच्चों क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है ना, सबके पास होती है सेल वॉल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर. किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर. सो माइकोप्लाज्मा इज विदाउट अ सेल वॉल, और क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है इसीलिए हमें लिखना पड़ता है कि सम ऑफ देम हैव अ सेल वॉल, सम ऑफ देम माइट नॉट हैव इट. सो देयर आर सर्टेन माइकोप्लाज्मास, माइकोप्लाज्मास डू नॉट हैव सेल वॉल, व्हेयर ऑल द प्रोकैरियोट्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा क्या है, फर्स्ट किंगडम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. तो जो पहली किंगडम है लिविंग वर्ल्ड की, किंगडम मोनेरा, उसमें आपको मिलेगी बच्चा सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स. जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास भी एक प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, आप उन्हें कहां पर देख पाओगे, आप उन्हें देख पाओगे इन किंगडम मोनेरा. तो आपको मोनेरा के अंदर सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग योर साइनोबैक्टीरिया, इंक्लूडिंग योर माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, एवरीथिंग यू विल फाइंड इनसाइड किंगडम मोनेरा. तो सारे के सारे मोनेरियंस कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, विथ या विदाउट सेल वॉल होते हैं. तो अगर विथ सेल वॉल है मतलब बैक्टीरिया वगैरह है, विदाउट सेल वॉल है मतलब हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, मतलब हम माइकोप्लाज्मा की बात करें. अब इसके अलावा अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे ना, तो हो सकता है सेल वॉल के बाहर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ये जो एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये या तो टफ होगा कैप्स्यूल जैसा, या फिर ये लूज भी हो सकता है, एक पतली सी शीथ जैसा, एक पतली सी कवरिंग जैसा, स्लाइमी सा, तब आप उसे बुलाते हो स्लाइम लेयर. तो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स होगा जो क्या कहला सकता है, अगर टफ है, रिजिड है, तो कैप्स्यूल, और अगर लूज है, मेम्ब्रेनस है, तो फिर आप उसे बुलाओगे स्लाइम लेयर. सो दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच यू विल बी फाइंडिंग. ठीक है, दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच यू विल बी फाइंडिंग. तो देखो यहां पर बुक में कितने क्लियरली लिखा है, लिखा है ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी, सबके पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. किसमें नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती. तो माइकोप्लाज्मा को देखेंगे तो यहां पर हमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, बट बाकी प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल भी मिलेगी. सो यू विल बी फाइंडिंग वॉल ऑल्सो. सो सेल वॉल विल बी प्रेजेंट एज एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सो द
फ्लूइड मैट्रिक्स विच विल बी फिल्ड इन साइड द सेल विल बी नोन एज साइटोप्लाज्म. तो इसके अंदर जो आपको लिक्विड मैट्रिक्स मिल रहा है बच्चा, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर जो चीज मिलेगी लिक्विड, इसी को हम बुलाते हैं साइटोप्लाज्म. सो नो मैटर वेदर इट इज माइकोप्लाज्मा और इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी और इट्स योर नॉर्मल बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टिफाइलोकोकस और एनी ऑफ देम, राइजोबियम, वट एवर, सबके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, एक फ्लूइड सा बैकग्राउंड, एक फ्लूइड सा मैट्रिक्स जिसे आप साइटोप्लाज्म बुलाते हो. साइटोप्लाज्म वो एरिया होता है सेल का जहां पर सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं. तो ये मेन एरिया है, मेन सारी एक्टिविटीज एक सेल के अंदर उसकी साइटोप्लाज्म में चलती हैं और ये चलना जरूरी है, राइट, बिकॉज विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द सेल वोंट बी एबल टू स्टे अलाइव. तो सेल को अगर जिंदा रखना है तो साइटोप्लाज्म में कुछ बनता रहे, कुछ टूटता रहे, हमारे लिए कंपल्सरी है, हमारे लिए कंपल्सरी है. देखो नेक्स्ट चीज क्या लिखी है मैम ने, नेक्स्ट चीज मैम ने लिखी है कि इट इज हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्या मतलब है इसका, कि मैम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. सो बेसिकली इसके पास कोई भी अच्छी तरीके से डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है. प्रॉपर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस मतलब यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जिसमें ऐसे मेम्ब्रेन्स हों दो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरीके से अगर मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं दो, फिर अंदर क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और फिर अगर ये सेल के अंदर है, तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बुलाते थे प्रॉपर न्यूक्लियस, यानी कि एक एडवांस्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं है तो ही हम उस सेल को प्रोकैरियोट बुलाएंगे, देन ओनली विल बी कॉलिंग दैट सेल एज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब इसका जेनेटिक मटेरियल की अगर अब मैं बात करूंगी ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटा टर्म यूज करी है, क्या लिखा है, द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड. जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड. अब ये नेकेड क्या होता है मैम, नेकेड तो मैम हम सबको पता है वैसे क्या होता है, कि जिसके पास कोई कवरिंग नहीं है, जिसने कुछ कपड़ा नहीं पहना, उस चीज को नेकेड कहते हैं. बट यहां पर नेकेड का क्या मतलब है, यहां पर नेकेड का ये मतलब है बच्चा कि जब हम बात कर रहे थे क्रोमैटिन मटेरियल की, तो वहां हमने देखा था कुछ प्रोटीन्स थे हिस्टोन्स, और उन हिस्टोन्स के अराउंड जो हमारा डीएनए है वो रैप्ड था. क्या था वहां, हिस्टोन प्रोटीन्स थे जिसके अराउंड डीएनए रैप्ड था. पर जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं रहते हैं. तो यहां पर डीएनए को रैप करने के लिए या कवर करने के लिए आपके पास हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं. सिंस हिस्टोन्स आर एब्सेंट, यू कॉल द डीएनए एज नेकेड, यू कॉल द डीएनए एज नेकेड. तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हिस्टोन्स एब्सेंट है, क्योंकि हिस्टोन्स एब्सेंट है, इसीलिए हमारा डीएनए कहलाता है प्रोकैरियोट्स के केस में नेकेड डीएनए, इसलिए हम इसे नेकेड डीएनए बुलाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेकेड, मतलब हिस्टोन्स एब्सेंट होने के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है बच्चा कि न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं है, मतलब उसकी कवरिंग के लिए मेम्ब्रेन भी नहीं है. तो पहली बात तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको रैप करने के लिए कोई नहीं है, दूसरी चीज ये कि उसको कवर करने के लिए भी कुछ नहीं है. तो नेकेड होने का मतलब है हिस्टोन्स एब्सेंट होना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने का मतलब है कि बाजू आजू एनवेलप की कमी होना, उसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखने के लिए भी यू डोंट हैव एनी अदर स्ट्रक्चर. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि इनके पास ये जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए, इस मेन डीएनए को हम कह रहे हैं जीनोमिक डीएनए. तो मेन डीएनए बेटा जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, और यहां पर लिखा है इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा की बात हो रही है. तो इसके अलावा जो चीज एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो ये है कि कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं. इसका मतलब क्या है, अगेन सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा, कुछ बैक्टीरियाज में मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा आपको एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा, एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा. तो इस तरीके से अगर आपको एक स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए दिखाई दे रहा है तो वो भी हो सकता है काफी सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट. सो मेनी बैक्टीरियाज अदर देन हैविंग जीनोमिक डीएनए लाइक एक्स्ट्रा मोर, मतलब जीनोमिक डीएनए तो है, प्लस दे हैव अनदर एक्स्ट्रा डीएनए विच इज नोन एज द प्लाज्मिड, विच इज नोन एज द प्लाज्मिड. अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाला तो कहीं नहीं गया,
जीनोमिक डीएनए तो होगा ही होगा, बिकॉज जीनोमिक डीएनए के बिना उनके मेन बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, वो मेन चीजें नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब नहीं होगा उनकी बॉडी में, तो मेन जीनोमिक डीएनए तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा भी अगर उनके पास ये एक एक्स्ट्रा टाइप का सर्क्यूलर सा डीएनए प्रेजेंट है, जिसे हम प्लाज्मिड बुला रहे हैं, तो ये उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऑफर करेगा, एक्स्ट्रा चीजें ऑफर करेगा, मतलब किसी के पास सुपर पावर होना, कि बाकी तो नॉर्मल लोग जैसा तो हम हूं, बट मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। अब ये जो मेरी एक्स्ट्रा पावर्स है ना, ये मेरे प्लाज्मिड में है। अगर मेरे पास प्लाज्मिड है तो हो सकता है कि मेरे अंदर डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए, मैं आपकी एंटीबायोटिक से ना मरूं, ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर आपको परेशान करने की क्षमता आ जाए, मैं वायरुलेंट हो जाऊं। तो ये जो खूबियां आती हैं, ये खूबियां प्रोवाइड करता है ये एक्स्ट्रा स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए से अलग रहता है, जो जीनोमिक डीएनए से अलग रहता है। ये जो छोटे छोटे स्मॉलर डीएनए हैं, इनको हमने क्या बुलाया है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज देता है, कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है टू द बैक्टीरिया। इसमें से एक कैरेक्टर हो सकता है बच्चा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मतलब आपकी बनाई हुई एंटीबायोटिक से वो मरेगा नहीं, अगर उसके पास स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड होगा तो उसके स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड ने उसको ये शक्ति दी होगी कि वो आपकी एंटीबायोटिक से किल नहीं हो, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुका हो और उससे किल ना रह पाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे प्लाज्मिड डीएनए के बारे में कुछ चंद पॉइंट। अब प्लाज्मिड डीएनए वैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड डीएनए याद रखना हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, 12th में जब हम बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये प्लाज्मिड कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम इस प्लाज्मिड की एक जीन को बदल देते हैं, दूसरी जीन डाल देते हैं उसके अंदर, और इस प्लाज्मिड को एक दूसरे सेल के अंदर भी डाल सकते हैं। फिर पता है क्या करता है, हमारी पसंद की जीन लेके दूसरे सेल में चला जाता है, और जब वहां पर इसका डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो हमारी पसंद की जीन भी वहां पे कॉपी करा देता है। तो इस तरीके से हम अपने पसंद के कैरेक्टर्स एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जो जहां वो जीन थी जो मुझे पसंद थी, वहां से मैं वो काटूंगी, प्लाज्मिड में चिपकाऊंगी और प्लाज्मिड को सेल के अंदर डाल दूंगी। जैसे ही प्लाज्मिड को उसके अंदर घुसा दिया मैंने, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, मैंने चीज को बदल दिया है। अगर मैं चीज को ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ला पा रही हूं, तो फिर मेरा सेल ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा और ये मैं करूंगी प्लाज्मिड की हेल्प से। तो हम साथ में सीखेंगे ये क्लास 12th के सिलेबस में, ठीक है, जब हम नेक्स्ट ईयर करेंगे 12th नीट की प्रिपरेशन। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना है कि जीनोमिक डीएनए है सब में रहेगा, जो जीनोमिक डीएनए है वो कैसा होगा, वो होगा सिंगल क्रोमोसोम वाला, मतलब उसके अंदर या तो एक सिंगल क्रोमोसोम हो, या फिर ये हो सकता है कि उसका डीएनए ये वाला भी कैसा हो, सर्क्यूलर हो। तो ये भी याद रखना, जीनोमिक डीएनए कैन बी सिंगल क्रोमोसोम वन और इट कैन बी सर्क्यूलर, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड, इट हैज टू बी डबल स्ट्रैंडेड, इट हैज टू बी सर्क्यूलर। तो यहां पर कोई सिंगल विंगल वाली बात नहीं करी है, यहां पर हमने कहा है सर्क्यूलर डीएनए है, और वो भी डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इस तरीके का डीएनए रहेगा, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ, जिसको बंद कर देना तो सर्क्यूलर हो जाएगा। तो ये हुई बच्चा अपने प्लाज्मिड की खूबियां, ठीक है, प्लाज्मिड की खूबियां। तो हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि एक बैक्टीरियल सेल में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, अंदर दिख रहा है साइटोप्लाज्म, जीनोमिक डीएनए और एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डीएनए यानी प्लाज्मिड। अभी तक हमने इतने स्ट्रक्चर्स की बात करी है, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर्स की बात करी है। तो ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है, ये क्या करने काम आता है, ये काम आता है कि हम मॉनिटर करें बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉरेन डीएनए उसके अंदर डाल के, मतलब हम बाहर से कोई डीएनए ले सकते हैं, प्लाज्मिड में लगा सकते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे होंगे, ये अगर प्लाज्मिड था, ठीक है, मान लो कि अपना प्लाज्मिड डीएनए था, इस प्लाज्मिड में सपोज करो कि मुझे ये वाली जीन नहीं चाहिए, ये वाली जीन अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं चाहती हूँ, और मेरे पसंद की कोई जीन है जो मैं चाहती हूँ किसी बैक्टीरिया के अंदर डालना। तो सपोज कर लेते हैं बच्चा कि अपना वो बैक्टीरिया है, ये उस बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद की कोई जीन इसके अंदर चली जाए, तो उसके लिए व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बेसिकली चेंजिंग दिस जीन, अपने पसंद की जीन लाकर इसकी जगह मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं इस सेल के अंदर डाल दूंगी। जैसे ही मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को इस सेल के अंदर भेजूंगी, तो ये क्या करेगा, अब जब ये अपनी कॉपी बनाएगा, जब ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा, तो मेरी जीन भी इस सेल के अंदर कॉपी होती जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्लाज्मिड्स हेल्प करेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड्स हेल्प करेंगे।
इनके पास जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. इनके पास आपको कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेगी. सो दे वॉन्ट बी हैविंग एनी सेल ऑर्गेनेल जैसे यूकैरियोट्स में थी. इनके पास सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल मिलती है बच्चा, जिसे हम बुलाते हैं राइबोसोम्स. तो हमने राइबोसोम्स बनाए थे कुछ इस तरीके से, हम राइबोसोम्स ड्रॉ कर रहे थे. राइबोसोम्स एग्जैक्टली कुछ ऐसे दिखते हैं. तो इनके पास राइबोसोम्स होंगे जिनके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं रहती. तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये राइबोसोम्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के पास एक और कुछ यूनिक चीज हो सकती है, और ये यूनिक चीज हो सकती है इंक्लूजन्स. ये यूनिक चीजें हो सकती हैं इंक्लूजन्स. अब ये इंक्लूजन्स क्या है भैया, ये इंक्लूजन्स बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन से निकलने वाली अलग अलग चीजें हैं, जो कई बार किसी मटेरियल को अंदर अपने अंदर स्टोर करके रखेंगी, कुछ स्पेशल पिगमेंट्स को स्टोर कर लेंगी, या फिर उसके लिए कुछ दूसरा यूनिक काम करती होंगी. इनमें से एक की अगर हम बात करें ना, तो हमको ये भी देखने को मिलेगा कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है. मतलब इनके पास क्या देखने को मिल रहा है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी इसने अपने आप को बेटा स्पेशलाइज्ड कर लिया है. इस तरीके से इसने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है और ये इनवर्ड फोल्डिंग्स शो कर रही है. अगेन फिर से बताती हूँ क्या बोला मैंने. मैंने कहा कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी बच्चा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने आप को इंटरनली कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है और इसे फोल्ड करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. फोल्ड करके कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. तो हो सकता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से कुछ इंटरनल फोल्डिंग्स करती हुई दिखाई दे. सो यू विल बी फाइंडिंग सम इनफोल्डिंग्स. ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, और यहां पर इसे हम बुला रहे हैं बच्चों मीजोसोम. व्हाट डू वी आर कॉलिंग देम, वी आर कॉलिंग देम एज मीजोसोम्स. सो मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे विल आस्क यू कि मीजोसोम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली. लिख देंगे इनफोल्डिंग्स ऑफ द कैप्स्यूल, इनफोल्डिंग्स ऑफ स्लाइम लेयर, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल वॉल एंड इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो यू शुड नो इट इज एन इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन ने अपने आप को अंदर फोल्ड किया है, अलग अलग शेप्स में किया होगा. कई बार ऐसे गोल शेप में कर लेती है तो वेसिकल का शेप ले लेती है. कई बार ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स के फॉर्म में आ जाती है तो हम बोलते हैं ट्यूब्यूल टाइप की है. और कई बार इस तरीके से पतली मेम्ब्रेन जैसी आ जाती है तो हम कहते हैं कि लैमेला के फॉर्म में है. तो मीजोसोम्स कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी अ वेसिकल, इट कैन बी अ ट्यूब्यूल, इट कैन बी अ लैमेला आल्सो. सो मीजोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे. मीजोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के. मतलब आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मीजोसोम नाम का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. मीजोसोम नाम का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. व्हाट विल यू बी फाइंडिंग, यू विल बी फाइंडिंग मीजोसोम ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब ये जो मीजोसोम होता है ना, इस मीजोसोम के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे गए. आइडियली हम लोग बहुत श्योर नहीं है कि वाकई जो हम समझ रहे थे इनिशियली वो चीज सही है या नहीं, बट आज भी हमारी बुक उस चीज को लिखती है, फॉलो करती है, तो हम भी उसी चीज पर स्टक रहेंगे. बिकॉज यू नो कि हम एनसीईआरटी से अलग नहीं जाते, तो जो एनसीईआरटी ने बोला है, जो लिखा है, हमें उसी पर स्कोर किया जाता है, तो हम वही चीज पढ़ेंगे. बाकी रिसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, जब वहां लिटरेचर चेंज होगा एनसीईआरटी में तब हम अपना आंसर बदलेंगे, वरना हम जो बुक में है उसी के साथ जाने वाले हैं. मीजोसोम के बारे में आज के ही लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. पहले पढ़ लेते हैं बेटा बुक का अगला टॉपिक जिसका नाम है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. अब ये सेल एनवेलप क्या है, सेल एनवेलप होता क्या है, तो देखो सेल एनवेलप की जब जब बात कर रहे हैं ना हम कहते हैं कि सारे के सारे मतलब मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमको देखने को मिलता है कि बैक्टीरियल सेल के बाहर तीन स्ट्रक्चर्स का कवरिंग है. तीन स्ट्रक्चर्स ने मिलकर इसको कवर कर रखा है. तो देखो सबसे पहले तो सेल को जो सेपरेट करेगा आउटर एनवायरनमेंट से, उसको बना दिया मैंने, ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन. इसके बाद देखने को मिलेगी हमें सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं हमारा ग्लाइकोकैलेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर. ग्लाइकोकैलेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर. तो हम यही बात कर रहे हैं कि सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स. द सेकेंड स्ट्रक्चर विच यू आर सीइंग इज द सेल वॉल, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर विच यू आर सीइंग माई चाइल्ड इज द सेल मेम्ब्रेन. एंड टुगेदर
एंड व्हेन दीज थ्री थिंग्स आर टुगेदर दे आर टुगेदर टर्म्ड एज द सेल एनवेलप. अगर किसी ने पूछ लिया सेल एनवेलप क्या होता है तो क्या बताओगे? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. इन तीनों चीजों को मिलाकर कहलाता है सेल एनवेलप. इन तीनों को चीजों को साथ में मिलाकर हम कहते हैं सेल एनवेलप. अब ये जो सेल एनवेलप होगा ना, सर्टेन सी बात है इसका कुछ काम होगा. तो ये तीनों चीजें साथ में मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं. क्या करती हैं तीनों चीजें साथ में मिलकर? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं. तो ये हो गया हमारा तीनों चीजों को मिलाकर सेल एनवेलप, और साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं. सो टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ protecting the bacterial cell. So together they are responsible for protecting the bacterial cell. तो देखो यही चीज लिखी है. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. ये क्यों लिखा है particularly bacterial cell? Because mycoplasma में नहीं मिलेगा. Mycoplasma में नहीं मिलेगा. Cyanobacteria में देखना मुश्किल है. इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि maximum bacterial cells में मिलता है. Cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure. क्या लिखा है हमने? साथ में चिपके हुए हैं, tightly bound है, three layers के structures हैं. That is the outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane, and then the plasma membrane. So outside, what you are having? The glycocalyx. Second one is the cell wall, and the third one is the plasma membrane. Order ध्यान रखना. ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है. सो ध्यान से देखना कि क्या पूछा है. फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड? इनसाइड से आउटसाइड पूछा होगा तो उल्टा बताएंगे कि मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है. आउटसाइड टू इनसाइड पूछा होगा तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और मेम्ब्रेन. तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डाल लो. हर लेयर का बेटा इंडिविजुअल फंक्शन है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है, बट साथ में क्या कर रही है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह फंक्शन कर रही है. साथ में जब जब रहेंगी तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हुई दिखाई देंगी. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इसके बारे में एनसीईआरटी ने बताई हैं. ठीक है, एनसीईआरटी ने बताई हैं. अब एनसीईआरटी ने क्या किया है इसके बाद, इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहां पर कम दिया है. इस चैप्टर में कम देने के पीछे का एक रीजन है. रीजन है कि किंगडम मुनेरा जहां पढ़ाया है चैप्टर टू में, वहां पर बची कुछ डिटेल्स मेंशन कर दी हैं. तो ओवरऑल पूरी एनसीईआरटी में कहीं थोड़ी बट इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अभी हम उस सारी इंफॉर्मेशन को आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे ताकि हमारा ये एज अ टॉपिक कंप्लीट हो सके. ठीक है, तो देखो इसके बाद हम उस पर वापस जाएंगे, बट पहले बुक देख लेते हैं. देखो बुक कह रही है बैक्टीरिया को अगेन हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एनवेलप, कि उनका सेल एनवेलप किस टाइप का है. उस बेसिस पे हमने उनको बांटने की कोशिश करी. क्यों बांटने की कोशिश करी? क्योंकि सेल एनवेलप अगर अलग होता है ना तो एक चीज पता चली थी, और वो ये थी कि बैक्टीरिया स्टेनिंग को अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करता है. कई बार स्टेन हो पाता है, कई बार स्टेन को होल्ड नहीं कर पाता. तो वो स्टेन लेता है या नहीं लेता, ये चीज हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी जिनका नाम है ग्राम, और उस चीज को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग. व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट एज ग्राम स्टेनिंग. तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें अगर बैक्टीरिया आपका स्टेन पुट अप कर लेगा, मतलब आपका स्टेन होल्ड कर लेगा, तो हम कहेंगे उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और अगर मेरा बैक्टीरिया स्टेन को लेने से मना कर दे, बोले मैं स्टेन को होल्ड कर ही नहीं सकता, तो मैं उस बैक्टीरिया को बुलाऊंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So bacteria can be gram positive or they can be gram negative. किस basis पे? कि उनने stain को hold किया या नहीं. और stain को hold किया तो क्यों किया? क्योंकि उनका envelope ऐसा था कि pigment वहां पर अटक कर पाया. और नहीं किया क्योंकि उनका cell envelope में कुछ ऐसी चीज present थी जिसने stain को hold करने ही नहीं दिया, जिसके कारण stain wash off हो गया. तो ये क्या चीजें हैं हम ये भी देखेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से bacteria हमारे gram stain के लिए पॉजिटिव या फिर ग्राम स्टेन के लिए नेगेटिव हो जाते हैं. अगर स्टेन पिकअप कर पाओ तो पॉजिटिव, नहीं कर पाओ तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में चले जाओगे. हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया बेसिकली हैं. अब यही टॉपिक हम पढ़ेंगे. बुक में थोड़ा नहीं दिया है तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना. जो भी कॉपी नोट्स बना रहे हो उसमें इस चीज को थोड़ा ध्यान से मेंशन कर लेना. देखो हम बोलते हैं बेटा कि ये जो टेक्निक है स्टेनिंग बैक्टीरिया की, ये दी थी एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने. पूरा नाम था इनका क्रिश्चियन ग्राम,
और ये जो टेक्निक है ना, इसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्या बुला रहे हो इसे? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इस बेसिस पे बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, एक है ग्राम नेगेटिव, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखो, जब भी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो हम कहेंगे भैया या तो इनके पास हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, या तो इनके पास वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो जाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाली काफी लूज सी है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कि ये जो जाली बना रहे हैं बाहर की तरफ, ये काफी लूज सी है, इसके अंदर स्टेन टिक नहीं पाता है, इसके अंदर स्टेन चिपक नहीं पाता है या होल्ड ऑन नहीं कर पाता है। तो ऐसी होने के कारण कि या तो वो भैया इस तरीके से है वर्टिकल, या तो इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल, इसके कारण इसका मेश काफी लूज है, और लूज मेश होने के कारण क्या होता है, स्टेन बाहर आ जाता है, स्टेन बाहर आ जाता है। और इसके अलावा एक और रीजन है, ये रीजन है कि इसके सेल वॉल के बाहर, इसकी सेल वॉल के बाहर आपको एक लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर मिलेगी, आपको एक लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर मिलेगी। तो मान लेते हैं सेल वॉल थी, तो उसके बाहर हमें एक और एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है जो लाइपो पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। ये जो लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर है, ये स्टेन को होल्ड करने नहीं देती है, ये स्टेन को होल्ड करने नहीं देती है। तो एक तो लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर है, ऊपर से अंदर जो मेशवर्क है वो या तो हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, या तो वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है या सिर्फ वर्टिकल है, क्रिस क्रॉस नहीं है। क्रिस क्रॉस होते तो होल्ड कर लेते, बट क्रिस क्रॉस नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर ग्राम नेगेटिव है तो सबसे बाहर क्या है, पॉलीसैकेराइड की लेयर दिख रही है हमें, ये पॉलीसैकेराइड की लेयर होल्ड करने नहीं देती, होल्ड करने नहीं देती। फिर हमें दिखेगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाहर क्या दिखेगा, एक लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर। जब भी हम अंदर की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भैया जो लिंकेजेस हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल साथ वर्टिकल नहीं है। यहाँ पर क्या है लेकिन, कि हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो इसके कारण एक प्रॉपर मेशवर्क बन गया, तो स्टेन यहाँ पर आकर स्टक हो जाता है। तो ये अपने स्टेन को लूज नहीं करते, अपने स्टेन को होल्ड ऑन करके रखते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही। पहली बात तो बाहर ही पॉलीसैकेराइड की लेयर थी, लाइपो पॉलीसैकेराइड, जिसने होल्ड करने ही नहीं दिया, प्लस लिंकेज भी इतना वीक था, इतना वीक मेशवर्क बन रहा था कि वहां पर भी होल्ड नहीं हो पाई। तो इस तरीके से इसकी होल्डिंग पॉसिबल नहीं रहती है। अब ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं बच्चा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिखता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेजेस दोनों प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से और वर्टिकल, दोनों चीजें प्रेजेंट है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रेजेंट होने के कारण यहां पर स्टेन को होल्ड करना कंपैरेटिवली काफी इजियर रहता है, और इसी कारण से ये जो मेश बनता है ये डेंस बनता है और स्टेन बाहर नहीं आता, और स्टेन बाहर नहीं आता। तो एक ये भी रीजन है। इसके अलावा इसकी जो बाहर की लेयर है, इसकी जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में बनी होती है टिकोएक एसिड की। तो यहां बाहर टिकोएक एसिड की लेयर है, वहां बाहर लाइपो पॉलीसैकेराइड की लेयर थी। लाइपो पॉलीसैकेराइड स्टेन होल्ड नहीं करने दे रही, लिंकेजेस उसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल थे। ऑन दी अदर हैंड, जब इसकी बात कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं, स्टेन होल्ड कर पाते हैं, प्लस आउटर वॉल टिकोएक एसिड की होने के कारण स्टेन इजिली होल्ड हो जाता है, स्टेन इजिली होल्ड हो जाता है। अब यह स्टेन है कौन, स्टेन 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 लेगी स्टेन नहीं लेगी, लेगी नहीं लेगी, भाई स्टेन कौन है, स्टेन है हमारी डाई, वही डाई जो क्रिश्चियन ग्राम ने बोली डाल के देखो। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। जब ये क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो एक स्टेन है, हमने एक्सपेक्ट किया कि ठीक है तुम दिखो हमको कुछ पर्पल वर्पल। फिर हमने उसके ऊपर एक और स्टेन डाला जो है आयोडीन, तो हमने इसके ऊपर मॉर्डेंट की तरह पोटेशियम आयोडाइड डाला। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्टेन दो स्टेन दोनों डाले, एक मिनट के लिए उसको देखा, इसके बाद हमने उसको इथाइल अल्कोहल से वॉश किया। क्या कर रही हूँ इसके बाद, मैं इथाइल अल्कोहल से उसे वॉश कर रही हूँ। तो जो भी मैंने स्टेन डाला है उसका जितना भी एक्स्ट्रा स्टेन है वो इथाइल अल्कोहल से निकल जाएगा, जितना निकलना चाह रहा है।
जो होल्ड करना चाहता है, जो उसको पकड़ के रखेगा उतना टिक जाएगा, बाकी जितना भी है वो वॉश ऑफ हो जाना चाहिए इस स्टेप में। और इसके बाद मैं फाइनली डालूंगी सैफ्रिनिन, तो इनमें से जितने भी बैक्टीरिया थे ना मेरे पास, जितने भी ग्राम पॉजिटिव थे, उनने पहले वाले स्टेन को होल्ड किया है। देखो अभी भी वो पर्पल कलर के हैं, बट जितने भी ऐसे थे जो उस स्टेन को होल्ड नहीं कर पाए, जब मैंने इथाइल अल्कोहल डाला तो वो वॉश ऑफ हो गया, और वॉश ऑफ होने के बाद फिर जब मैंने सैफ्रिनिन डाला तो उनने वो कलर ले लिया। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मुझे यहाँ पर पिंकिश पिंकिश दिख रहे हैं, सैफ्रिनिन का कलर ले लिया उनने, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मुझे दिख रहे हैं पर्पलिश, बिकॉज उनने क्रिस्टल वॉयलेट का कलर ले रखा है। सो आई होप हम ये बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं बच्चा कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है एग्जैक्टली। तो आई होप हमें ग्राम स्टेनिंग क्लियर होगी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहा जा रहा है, बेस्ड अपॉन कि उनने क्या कलर ले रखा है, कौन सा स्टेन उनने एक्सेप्ट किया, कौन सा स्टेन उनने होल्ड नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया, पूरा निकल गया था बाहर, तो फिर दूसरा डाला तो उसका कलर दिखने लगा। तो यहां से ग्राम स्टेनिंग की एक पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि बैक्टीरिया हमारे दो कैटेगरीज में फिट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं या ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों टाइप के बैक्टीरिया को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। तो जब आप अपने कॉलेज में पहुंच जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, वहां पर जब आप पढ़ोगे फार्मैक, तो आप पढ़ोगे कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम इसी तरीके से डिजाइन करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया को किल करना है, किस बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकनी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो अलग काम करवाना पड़ेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो अलग ड्रग देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगी बेटा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि सबसे बाहर की जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, अगेन एनसीईआरटी पे आ गए वापस, ग्लाइकोकैलिक्स ना अपनी कॉम्पोजिशन और थिकनेस के हिसाब से अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बैक्टीरिया में ये काफी लूज होती है, एक लूज सी शीथ बनाती है, इस लूज शीथ को मैं कहती हूँ स्लाइम लेयर, क्या बताती हूँ स्लाइम लेयर, जबकि बाकियों में ये काफी थिक और टफ सी कवरिंग बनाती है जिसे हम बुलाते हैं कैप्स्यूल। तो या तो ये सेल वॉल के बाहर, तो ये मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई, या तो एक टफ सी हो सकती है कैप्स्यूल, या तो फिर ये एक लूज सी कवरिंग हो सकती है जैसे कि स्लाइम लेयर, जैसे कि स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर है तो लूज सी शीट है, और अगर कैप्स्यूल है तो काफी टफ और रिजिड है। सेल वॉल जो है इसका क्या काम होता है, सेल वॉल का काम होता है सेल के शेप को मेंटेन करना। अब देखो सेल वॉल जहां भी पढ़ोगे ना, चाहे प्लांट में पढ़ो, चाहे पढ़ो किसी प्रोटिस्ट में, या फिर पढ़ो फंजाय में या बैक्टीरिया में, सेल वॉल का हमेशा 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 काम होगा कि वो सेल के शेप को मेंटेन करे। नाइन्थ क्लास भी याद करोगे अगर पीछे जाकर थोड़ा सा, तो ध्यान आएगा कि सेल को डालते थे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। एनिमल सेल होता था तो फूलता था, बस्ट हो जाता था, फूलता था बस्ट हो जाता था, बट अगर वही प्लांट सेल होता था तो थोड़ा बहुत कोशिश करता था फूलने की, टर्जिड हो जाता था, बट फटता कभी नहीं था, बर्स्ट कभी नहीं होता था। तो वहां पर भी बेटा सेल्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाने के बाद, मतलब ऐसे सोल्यूशन में जाने के बाद जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, वहां से पानी अंदर आएगा सेल में, तो भी सेल उतना ही पानी लेगा कि वो भैया थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, पर फटेगा नहीं। अभी भी वाटर का डिफरेंस है, वाटर अभी भी अंदर आना चाहता है, बट सेल वॉल क्या कर रही है, वाटर को और अंदर आने नहीं दे रही। सेल वॉल उस पर उल्टा प्रेशर लगा रही है कि नहीं, तुम मुझे जितना धक्का मारोगे साइटोप्लाज्म, मैं भी तुम्हें उतना ही मारूंगी, मैं तुम्हें बर्स्ट नहीं होने दूंगी। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, हाइपोटोनिक कंडीशंस में बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल को, जिसकी भी सेल वॉल हो, उस सेल को बर्स्ट होने से रोकती है। तो सेल वॉल का काम ही होता है कि उसके शेप को मेंटेन करके रखे, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे, और उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को बर्स्ट होने से रोके, बर्स्ट के साथ साथ कोलैप्स होने से भी रोके। अब कोलैप्स कब होना चाहेगा, जब सिचुएशन उल्टी है, जब सिचुएशन उल्टी है, अगर कंडीशन ऐसी है कि वो एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस्ड है जहां पर बाहर वाटर कम था, तो सेल के अंदर से वाटर निकल निकल के बाहर जाना चाहेगा, और जब बाहर निकल के जाना चाहेगा ना, तो नॉर्मल एनिमल सेल होता तो पूरी तरह से श्रिंक हो जाता, पूरी तरह से श्रिंक हो जाता, बट यहां पर क्या होगा, ये पूरी तरह से श्रिंक नहीं होगा, ये जो हमारा सेल वॉल है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बैक्टीरियल सेल को कोलैप्स होने से भी रोकेगा। सो सेल वॉल का ये फंक्शन है, ये उसको बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से रोकेगी।
अब हम इसके बाद बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल बैक्टीरिया की जो होती है वो बनी होती है बेटा नैग और नैम की। किस चीज की बनी होती है? नैग और नैम। तो मान लेते हैं अपन, चलो देखते हैं, ये है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज की बनी है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यानी नैग, या फिर एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, तो नैग और नैम इन दोनों चीजों की बनी होगी, या तो ग्लूकोसामाइन की या तो न्यूमेरिक एसिड की। इसके अलावा अल्फा एलेनाइन, डी एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। मेन क्या चीजें हैं? नैग और नैम। तो नैग और नैम, NAM, NAG, इन दोनों चीजों की बनी होती है इसकी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है? कुछ चीजों को एंट्री अलाउ कर रही है, कुछ चीजों को एंट्री अलाउ नहीं कर रही। सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ओनली सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड कैन कम एंड इंटरैक्ट विद द थिंग्स इनसाइड द सेल, ओनली सर्टेन थिंग्स कैन लीव द सेल एंड गो आउट। सेल वॉल किसी चीज को रोकती नहीं है बाय द वे, बट सेल मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव है, डिसाइड कर लेती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। तो जिस चीजों के चैनल्स होंगे वही चीज अंदर आएंगी, बाकी चीजें नहीं आ सकती। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो एक ट्राइपार्टाइट का स्ट्रक्चर है, मतलब ओवरऑल अपने आप में तीन लेयर्स की बनी हुई रहती है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखनी थी, ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो हमने देखनी थी। अब इसके अलावा जो फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल की, उसी को हम बुला रहे हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो होती है वो कहलाती है इसकी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका ग्रैन्युलर है क्योंकि उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम्स। तो बहुत सारे राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो राइबोसोम्स होता है ना, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि राइबोसोम्स ने अपने आप को इस तरीके से एक चेन में अलाइन कर रखा है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक mRNA की चेन में बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में अटैच हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम्स इन अ बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स के फॉर्म में भी आपको ये मिल सकते हैं। mRNA की चेन के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड जब मिलेंगे तो इसे आप पॉलीराइबोसोम बुलाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये भी मालूम है कि जितनी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारी की सारी बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलती। ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। तो जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी ना, जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी, बातें हमारी हमेशा काफी क्लियर रहेंगी कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, कैप्स्यूल हो या जो भी हो पर है वहां पर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही अंदर यहाँ पर इंक्लूजन हैं, इंटरनल फोल्डिंग्स हैं, तो मेसोसोम्स वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे किसी भी फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में, लैमेला के फॉर्म में या फिर वेसिकल्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मेसोसोम्स मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या मिलने वाला है? मेन जीनोमिक DNA, एक्स्ट्रा सर्क्यूलर प्लाज्मिक DNA एंड यू विल बी फाइंडिंग राइबोसोम्स। तो अभी तक इसके स्ट्रक्चर में, साइटोप्लाज्म में हमने इन्हीं चीजों की बात की है कि हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। बाहर की बात करी ग्लाइकोकैलिक्स की, तो मैंने कहा कि बेटा या तो कैप्सूल या तो स्लाइम लेयर। सेल वॉल की बात कही तो कहा नैग या नैम की बनी हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, मेक श्योर करे कि उसका शेप मेंटेन रहे, बर्स्ट ना हो, कोलैप्स ना हो। सेल मेम्ब्रेन की बात करी तो ये कहा कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, चीजों पर ध्यान रखे क्या अंदर बुलाना है क्या नहीं बुलाना। राइबोसोम्स की बात कर रहे तो ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन है नहीं। इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। अब ये 70S टाइप क्या होता है भैया? राइबोसोम्स ना यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम थोड़े डिफरेंट है, थोड़े डिफरेंट है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 80S टाइप के, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के। अब ये जो 70S राइबोसोम्स है, ये 70S राइबोसोम में जो एस है वो स्टैंड करता है स्वीडबर्ग्स कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है। तो ये स्वीडबर्ग्स कोएफिशिएंट है, स्वीडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनने बताया था भैया कि आपके राइबोसोम की क्या डेंसिटी है, कितना हैवी है, कितना लाइट है, उस बेसिस पे उसको एस यूनिट से रिप्रेजेंट किया गया। तो स्वीडबर्ग की ये यूनिट है, इसीलिए 70 के बाद एस लिखते हैं, ठीक है।
जैसे म्यू यूनिट होती है वैसे ही एस भी एक यूनिट है यहाँ पे। अब यहाँ के जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे स्मॉलर इन साइज हैं, इनका साइज होगा लगभग 29 नैनोमीटर से 21 नैनोमीटर, तो 29 इंटू 21 नैनोमीटर है, और वेट है इनका मॉलिक्यूलर 2.7 से लेकर 3×10⁻⁶ डाल्टन्स, तो ये इसका वेट रहेगा। अब ये है हमारा राइबोसोम का साइज और उसका वेट। 70S राइबोसोम्स की बात करोगे ना तो ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के, और यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें मिल रही हैं, एक आरएनए और एक प्रोटीन, इसलिए कह रहे हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए और प्रोटीन। एक रेशियो भी फिक्स है इसका, तो इसका रेशियो क्या है 60:40, तो 60% आरएनए है 40% बेटा प्रोटीन है, ठीक है। आप अपने आप में राइबोसोम को देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं, तो एक ये है राइबोसोम की सब यूनिट और दूसरी ये है राइबोसोम की सब यूनिट। तो मान लो कि इसके दो सब यूनिट्स हैं, तो हमारे पास राइबोसोम की दो सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो बड़ी वाली सब यूनिट है उसे हम कह रहे हैं 50S, जो छोटी वाली है उसे हम कह रहे हैं 30S, तो दो सब यूनिट्स आपको मिलेंगी 50 और 30, और पूरा राइबोसोम कितना है 70S। तो ये मत बोलना मैम 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है 50 और 30 मिलाकर 70 बनता है, और 80 कैसे बनता है, 80 बनता है 60 और 40 मिला के, तो 60 और 40 मिलकर बनाएंगे 80S, ठीक है, और 70 कौन बनाएगा 50 और 30, तो 50 और 30 से मिलेगा 70S, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। कुछ ऐसी चीजें हैं ये जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगली चीज हमने यही देखनी है। ये क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सब यूनिट्स का, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट की बात करी हमने तो हमने कहा लगभग 3×10⁶ डाल्टन्स हो सकता है। अब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, अगर सब यूनिट्स की बात करें तो 50S जो सब यूनिट है ना इसके वेट पे बेटा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि 50S सब यूनिट का क्या मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 50S सब यूनिट का वेट होता है 1.8×10⁶ डाल्टन्स, 1.8×10⁶ डाल्टन्स। अभी 50S जो सब यूनिट होती है ना इसमें भी अंदर कुछ और सब यूनिट्स होती हैं, इसमें भी अंदर कुछ और सब यूनिट्स होती हैं, क्या क्या होता है उसमें अंदर ही अंदर, 23S होता है, 5S होता है, तो ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो 23S RNA का जो वेट है वो है 1.2×10⁶, 16S का है 0.6×10⁶, 5S का है 3.2×10⁴, और 30S जो सब यूनिट है उसका वेट है 1×10⁶, तो 30S सब यूनिट के अंदर क्या आता है 16S आता है, उसके अंदर आता है 16S, तो 50 के अंदर आ रहा है 23 और 5 और 30 के अंदर आ रहा है 16, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट पे भी क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा ढंग से मेमोराइज करना होगा, ढंग से मेमोराइज करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको रख कर देती हूँ, आप इसका प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको ये स्लाइड याद रहे, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस चीज़ को कहीं नोट भी कर लो और इसका प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके मॉलिक्यूलर वेट्स, तो इसको देख लो फटाक से, एक बार इसका हो जाए तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका स्निप आपके पास आ गया होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो फिर से वही बात कि हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियस एक प्रिमिटिव टाइप का है, ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को हम जीनोफोर या फिर इनसीपिएंट न्यूक्लियस भी बुलाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए दूसरे नाम है, आप इसको जीनोफोर, इनसीपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड बुला सकते हो। इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, जीनोमिक डीएनए जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जीनोमिक डीएनए जो है वो डबल हेलिकल हो सकता है, सर्क्यूलर हो सकता है, और हिस्टोन्स इसमें एब्सेंट रहेंगे। हिस्टोन्स एब्सेंट होने का क्या मतलब था कि डीएनए आपका नेकेड है, डीएनए आपका नेकेड है। प्लाज्मिड्स हमेशा स्मॉल होंगे, सर्क्यूलर होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने होंगे, और ये मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होंगे, और ये अपनी कॉपी भी अलग से बनाएंगे। तो जब सेल की कॉपी होती है उसका न्यूक्लियस अपने आप को कॉपी करता है, तो वो डिसाइड नहीं करेगा कि प्लाज्मिड को भी कॉपी करना है या नहीं, प्लाज्मिड खुद डिसाइड करता है उसको कैसे कॉपी करना है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका रेप्लिकेशन मतलब उसका डिविजन इंडिपेंडेंटली होता है, उसको मेन जीनोमिक डीएनए से कुछ पूछने पाछने की जरूरत नहीं है।
तो ये मेन डीएनए अगर कॉपी हो भी रहा है, यहाँ पर ये बन भी रहा है दोबारा, तो भैया ये अपना बने, ये प्लाज्मिड इसको कब अपनी कॉपी बनानी है ये खुद डिसाइड करेगा, ये खुद डिसाइड करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द मेन जीनोमिक डीएनए। अभी जो प्लाज्मा टर्म है बेटा, ये जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम है लीडरबर्ग, ठीक है। तो लीडरबर्ग ने हमें बताया था अबाउट प्लाज्मिड और बताया था इन द ईयर 1952। सो इन द ईयर 1952 द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन टू अस बाय लीडरबर्ग। यहां से अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो अपन बात करेंगे वही कि इनके पास कुछ यूनिक चीज थी इंक्लूजन नाम की, अपन ने बात की थी अभी कि इनके पास इंक्लूजन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है, जैसे मीजोसोम कहते हैं, ठीक है, मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम्स को हम कहते हैं सर्कुलर कॉइल्ड बॉडीज, और पहले ना इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ बैक्टीरियल सेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बट अभी अभी मैं इस पर डिबेट चल रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी ऐसा लग रहा है कि पहले जो ये समझते थे मीजोसोम करता है, शायद वो नहीं करता, बट हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आज भी कहती है कि भैया मीजोसोम के ये टिपिकल फंक्शंस हैं, मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अगर मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एनसीईआरटी ने कह दिया है, तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है कि फिलहाल की रिसर्च में कुछ और बता दिया हो तो भी, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर कंसर्न अबाउट, वी विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग वट एनसीईआरटी हैज गिवन अस। जब तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं होती तब तक हम इस चीज को गलत नहीं मानेंगे। हम यही चीज पढ़ेंगे तब कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ बैक्टीरियल सेल मीजोसोम ही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, और बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, यहां पर रेस्पिरेशन का काम मीजोसोम के पास है, तो इसीलिए हम इस मीजोसोम को क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो मीजोसोम्स क्या है? स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं मीजोसोम्स, जो बने हैं एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल से। ये एक्सटेंशंस या तो वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर पतली सी मेम्ब्रेन के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लमाइना। तो या तो ट्यूब्स के फॉर्म में, या तो वेसिकल्स के फॉर्म में, या तो पतली पतली मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में, जैसे कि लमाइना। करते क्या है, भयंकर इंपॉर्टेंट कि क्या करते हैं। पहला काम कर सकते हैं बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प, ये सेल वॉल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा काम कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करना, मतलब डीएनए कब कॉपी होना है, कैसे होना है, इसका ध्यान रखना। तो ये कौन कर रहा है? मीजोसोम्स कर रहे हैं। तो चलो एक बार और बना देती हैं मैम आपके लिए। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मैम ने आपके लिए सारे अलग अलग टाइप के मीजोसोम्स बना दिए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया, ये जो मीजोसोम्स हैं ये कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मीजोसोम? पहला काम कर रहे हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, कि सेल वॉल बनवा दो भैया, इन्हीं को कहा जा रहा है कि बाहर की सेल वॉल बनाने में मदद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरा काम क्या कहा जा रहा है? कि जो डीएनए बैठा है अंदर, जीनोमिक डीएनए, इसकी कॉपी बनवाने में मदद कर दो। फिर ये कहा जाएगा कि कॉपी बना दो एक बार, फिर सेल की कॉपी बनाने में, सेल्स को मटेरियल में बांटा बांटी करने में मदद कर दो, कि कितने मीजोसोम यहां जाएंगे, कितने राइबोसोम वहां जाएंगे, एक डीएनए उधर एक डीएनए इधर, ये सब करने में हेल्प करो हमारी। तो ये भी मीजोसोम से कहा जाएगा। तो पहली चीज क्या कही? कि सेल वॉल बनाने में मदद करो। दूसरी चीज कही डीएनए रेप्लिकेट करने में हेल्प करो। तीसरी चीज कही कि सेल को अपने कंटेंट्स को डिवाइड करने में तुम्हारी मदद लगेगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करो मटेरियल का टू द डॉटर सेल्स, तो जो दो नए सेल बनाओगे उसमें मटेरियल आटा बाटा कर दो, ताकि बाद में प्रॉपर्टी पे विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। तो तुम एकदम बिना किसी, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव करे दोनों डॉटर सेल्स में बराबरी हिस्सा बांट देना, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये भी कहा जाता है कि सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग चीजें सिक्रीट कर सके, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग चीजें सिक्रीट कर सके। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है, और एंजाइमैटिक कंटेंट पे भी ध्यान देता है, एंजाइमैटिक कंटेंट पे भी ध्यान देता है। तो आप देख रहे हो ओवरऑल, तो आपको इसके 7 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट फ्रॉम सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमैटिक कॉन्टेंट पे ध्यान देना। सो दीज आर द 7 फंक्शंस विच अ मीजोसोम इज परफॉर्मिंग फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल।
ठीक है. तो ये मीसोसोम्स के फंक्शन हो गए, विच द मीसोसोम इज गोइंग टू डू इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. कुछ प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे बच्चों हम पर, तो अब यहां पर कुछ अलग बात होगी. तो मीसोसोम के बारे में क्या क्या जान गए हो, इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, साथ फंक्शन करते हैं वेसिकल ट्यूब्यूल और लेमाइला के फॉर्म में मिल सकते हैं. तो मीसोसोम पे एक क्वेश्चन आ सकता है, भयंकर इंपॉर्टेंट है मीसोसोम, ठीक है. इसके बाद मीसोसोम की कहानी यहाँ खत्म होती है और हम आगे बढ़ते हैं विथ दूसरे टाइप के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे. साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है. साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे. तो बेटा ये क्योंकि इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे है ना, पहले ये प्लांट किंगडम का हिस्सा थे. पहले किसका हिस्सा थे, प्लांट किंगडम का. उस जमाने में दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करती थी, प्लांट और एनिमल. तो तब इनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था. फिर बाद में समझा, थोड़ा सोचा तो रियलाइज हुआ, अरे शिट ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है. और जब ये चमका ना कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनको लगा हाय राम, प्लांट किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ी ना रखना चाहिए. तो फिर उन्होंने कहा कि चलो किंगडम बांट देते हैं. तो फिर उन्होंने वहां से उठा के बना दी, चार किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किंगडम मोनेरा अलग कर दी, और ये ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया प्लांट किंगडम से शिफ्ट होकर आ गया किंगडम मोनेरा में, और आज भी किंगडम मोनेरा में है. रीजन यही है भैया कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इतना काफी है मोनेरा में हिस्सा पाने के लिए. तो ये मोनेरा में आ चुका है, सारे बैक्टीरिया के साथ वहीं पर रहता है. इनमें आपको देखने मिलते हैं ना कि मेम्ब्रेन के कुछ और भी एक्सटेंशन होते हैं जो साइटोप्लाज्म में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स. तो यहां पर आपको क्रोमैटोफोर्स देखने मिलेंगे. तो यहां आपको मीसोसोम नहीं मिल रहे, पर यहां आपको क्या मिल रहे हैं, क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स का क्या काम है, पिगमेंट कंटेन करके रखें, पिगमेंट कंटेन करके रखें. अब देखो ये कैसे सीखेंगे अपन, ये अपन सीखेंगे कुछ इस तरीके से. यहां जगह कर दूं, मीसोसोम तो समझ ही गए होंगे. देखो तो यहां जगह कर लेते हैं अपन, और यहां पर फटाफट देख लेते हैं अबाउट क्रोमैटोफोर और उसके पिगमेंट की कहानी. तो ये देखें भैया, चलो बात करते हैं अपन एक ब्लू ग्रीन एल्गे की. ये कौन सा कलर ले लिया मैम, दिख ही नहीं रहा है, ये ले लो भैया. हाँ ये दिख रहा है, चलो देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं. अपन ने बोल दिया ये ब्लू ग्रीन एल्गे है. अब क्या कह रहे हैं कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फिर से इनफोल्डिंग्स होंगी. ये वाली जो इनफोल्डिंग्स होंगी, इनको हम क्या बुलाएंगे, इनको हम बुलाएंगे क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स, और इन क्रोमैटोफोर्स को क्या करना है, पिगमेंट्स स्टोर करके रखना है, पिगमेंट्स स्टोर करके रखना है. अब पिगमेंट क्यों स्टोर करने है, पिगमेंट इसीलिए स्टोर करने हैं बच्चा क्योंकि इसको करना है फोटोसिंथेसिस. क्या करना होगा इसको, फोटोसिंथेसिस. ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल है. इसको अपने लिए फूड प्रिपरेशन करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा. मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स तो है नहीं कि प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा नहीं. तो यहां पर पिगमेंट को होल्ड करने का काम जो करेंगे वो करेंगे क्रोमैटोफोर्स. तो लाइट को ट्रैप करना फिर इनका फंक्शन है. तो यहां पर आपको क्रोमैटोफोर्स दिखेंगे अगेन जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं. तो ये चीज हम फिर से याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के कुछ और एक्सटेंशन हो सकते हैं जो साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहे हैं, जिनको हम कहेंगे क्रोमैटोफोर्स, जिनके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, जिनके अंदर पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो आई होप हमें ये चीज यहां तक तो क्लियर है. यहां तक किसी को भी कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी अगर आ रही हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप तुरंत कमेंट में लिख सकते हो, ड्रॉप अस योर कमेंट. पिछली बार आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस. सो प्लीज लेट अस बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, लेट अस बी द गाइडिंग लाइट एंड मेक यू रीच योर ड्रीम डेस्टिनेशन, दैट इज अ टॉप कॉलेज एंड अ मेडिकल सीट देयर. सो अगर कुछ भी दिक्कत आए, सो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन इन द ड्रॉप बॉक्स. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अपन बेटा बैक्टीरियल सेल्स. बैक्टीरियल सेल्स की हम बात करें ना, तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर पाते हैं. कुछ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं नॉन मोटाइल, मतलब मूवमेंट उनमें पॉसिबल नहीं है. तो अगर तो वो बैक्टीरियल सेल मोटाइल है, अगर वो मूव कर पा रहा है, तो क्यों कर पा रहा होगा पता है, क्यों कर पा रहा होगा पता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होगा फ्लैजेला. तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल वॉल, और इसी सेल वॉल से निकलता है इस तरीके से ये फ्लैजेला, इस तरीके से ये फ्लैजेला. तो इस तरीके से फ्लैजेला निकल सकते हैं फ्रॉम द सेल वॉल, जिनका काम होगा कि ये बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में
यानी उसके लोकोमोशन में उसकी मदद करें, उसके मूवमेंट में यानी उसके लोकोमोशन में मदद करें। बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स बना दी मैंने। तो ये देखो यहाँ क्या बात हो रही है, बैक्टीरियल सेल मे बी मोटाइल, इफ दे आर मोटाइल दे मे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरियल फ्लैजेला कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द सेल वॉल। यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करेंगे ना तो वो निकलेंगे सेल मेम्ब्रेन से, इसीलिए भयंकर इंपॉर्टेंट है कि इनके फ्लैजेला निकलते हैं फ्रॉम द सेल वॉल। तो इनके फ्लैजेला सेल वॉल का एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का। तो सेल वॉल से इनके फ्लैजेला बाहर निकलेंगे, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पूरे बैक्टीरिया को कवर करके रख सकते हैं, एक किनारे में एक सिंगल हो सकता है, एक किनारे में झुंड हो सकता है, दो किनारों पे दो झुंड हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट। ठीक है, फ्लैजेला एब्सेंट भी हो सकता है कंप्लीटली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर फ्लैजेला है तो वो भी अलग अलग काउंट्स का नंबर्स का हो सकता है। हमको पूरा का पूरा उसका नंबर काउंट ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल हमें उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आजकल उस पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो हमें ये पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली कि एक बैक्टीरियल फ्लैजेला होता कैसा है। अब आप एक बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात करोगे ना बच्चा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक होगी उसकी बेसल बॉडी जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, फिर एक दिखाई देगा आपको उसका हुक और एक दिखाई देगा उसका फिलामेंट। तो फिलामेंट उसका लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, अगेन इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से भी रिपीट हो सकता है कि फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। फ्लैजेला जो है ये ऑर्गन्स ऑफ मोटिलिटी होते हैं, ये बने होते हैं बेटा 1-3 अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड से, और इनका काम होता है कि ये उसे एच एंटीजन प्रोवाइड करें। तो अगेन ये कुछ ऐसी चीजें हैं, आखिरी ये दो पॉइंट्स जो सिर्फ आपको लर्न कर लेनी है, इनके बारे में डिटेल डिटेल समझने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लर्न करो, डिटेल में किसी के भी घुसना नहीं है अननेसेसरली। तो अननेसेसरली गड्ढा 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 खोद के उसके अंदर डूबना नहीं है, हमको सरफेस पर रहकर तैरकर नैया पार लगानी है, कोई अंदर जाकर हमको स्कूबा डाइविंग कहीं नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में फिट रखें। क्या ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल फ्लैजेला के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन उसका फिलामेंट होता है। उसके अलावा याद रखेंगे कि फ्लैजेला ऑर्गन्स ऑफ मोटिलिटी है, 1-3 अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड से बनी रहती है, और इसकी हेल्प से एक एंटीजन मिलता है इनको जिसे हम एच एंटीजन बुलाते हैं। अब कभी भी आप बैक्टीरिया की बात करोगे ना तो बैक्टीरिया में से आपको एक तो फ्लैजेला नाम का एक्सटेंशन दिखेगा, अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला यू माइट बी फाइंडिंग पिल्लाई एंड फिम्ब्रे। इसके अलावा क्या मिल सकता है, पिल्लाई एंड फिम्ब्रे। तो ये जो पिल्ली या पिल्लाई या फिम्ब्रे होते हैं ये भी हम कहते हैं कि सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब सरफेस से निकलने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो सरफेस से निकलने वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, माइंड यू इनका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या नहीं है, मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये बैक्टीरिया को घुमाते फिराते नहीं है। तो ये करते क्या है मैम, देख लेते हैं एक करके। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा पिल्लाई, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है पिल्लाई, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका काम होगा कि ये कुछ इस तरीके के एक्सटेंशंस बनाए, जिनमें से इस तरीके के एक्सटेंशंस बनेंगे, जिस तरीके के एक्सटेंशंस बनेंगे, ये एक्सटेंशंस क्या करेंगे, ये एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेशन के टाइम मदद करेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एक बैक्टीरियल सेल, तब ये पिल्लाई मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने हैं, जिस प्रोटीन का नाम है पिल्लिन प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है पिल्लिन प्रोटीन। 8 अलग अलग टाइप के होते हैं, 1-7, 1-7, और इसके बाद होता है एफ टाइप। अब ये जो 1 है और F है, क्या है, 1 रोमन नंबर 1 है भैया, ये 1 है और F है, इनको हम कहते हैं सेक्स पिल्लाई। सेक्स पिल्लाई का काम है कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाए जिसकी हेल्प से क्लैंप फैक्टर बने और एक बैक्टीरियल सेल से चीजें दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो सके। तो ये बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल और दूसरे बैक्टीरियल सेल में बीच में ट्यूब बनाते हैं जिसके थ्रू मटीरियल एक्सचेंज या मटीरियल ट्रांसफर होता है। तो जिसमें से ये पिल्लाएं निकलेंगे उसको आप पॉजिटिव बुला लेना, जिसमें से नहीं निकलेंगे उसको आप नेगेटिव बुला लेना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये क्लैंप फॉर्मेशन बनाएंगे, ट्यूब बनाएंगे, इसका जेनेटिक मटीरियल निकलकर उसमें जाएगा और फिर फ्यूजन होगा। तो इस तरीके से आपको पिल्लाई का फंक्शन दिखेगा। अब पिल्लाई के अलावा जो दूसरे होते हैं
वो कौन होते हैं? दूसरे होते हैं फिम्ब्रे, दूसरे होते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या कर रहे हैं मैम? फिम्ब्रे भी कर रहे हैं बच्चे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम। फिम्ब्रे करते हैं बैक्टीरियल सेल की अटैचमेंट में मदद, बैक्टीरियल सेल की अटैचमेंट में मदद। तो इमेजिन करो कि एक रॉक है, ठीक है, रॉक है, बैक्टीरियल सेल को इस पर अगर अटैच होना है तो ये छोटे 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 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे, जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स या फाइबर्स होते हैं जो सेल से बाहर निकल रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया को किसी भी चीज़ में अटैच करने में मदद करेंगे, जैसे रॉक्स पे अटैच होने में या फिर होस्ट की बॉडी में अटैच करने में हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स और फिम्ब्रे। फिम्ब्रे, पिल लाइक फ्लैजला भयंकर इंपॉर्टेंट हैं और इन पे से बेटा आप एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एंटिसिपेट करके चलना, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। फ्लैजला मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, पिलाए हेल्प कर रहा है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फिम्ब्रे हेल्प कर रहा है अटैचमेंट में, ठीक है, फिम्ब्रे हेल्प कर रहा है अटैचमेंट में। इतना अगर हमने समझ लिया है ना फाइनली, तो अब हमारे पास समझने को रह गई हैं दो छोटी छोटी चीज़ें। एक है हमारे पास राइबोसोम और दूसरी चीज़ है हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम से। तो देखो राइबोसोम्स की बात करते हैं ना, पूरा राइबोसोम अभी हमने देखा, बट बुक में कुछ लिखा है तो बुक में जो लिखा है वही सर्वोपरि, सबसे ऊपर वही है, सबसे ध्यान से उसी को पढ़ना है। तो बुक में क्या लिखा है राइबोसोम्स में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो देख लेते हैं। यहां पर लिखा है बच्चा कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स मिलते हैं आपको एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, उसी के साथ मिलजुल कर अपना काम करने वाले हैं। इनका साइज होता है लगभग 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, तो 15 × 20 नैनोमीटर ये इनका साइज है। नैनोमीटर क्या था? 10^-9 मीटर, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। दो सब यूनिट से बने हैं 50 और 30s, साथ में मिलकर बना रहे हैं 70s। फिर वही याद दिला रही हूँ, 50 और 30 70 होता है यहाँ, तो मैथ्स मत कर लेना लगना कि 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, यहाँ 50 और 30 मिलाकर 70 ही बनता है। तो जैसे मैथ्स छोड़ दी वैसे ही प्लस माइनस उसका भी भूल जाओ, यहाँ 50 और 30 70 रहेगा। राइबोसोम्स होते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का काम क्या है बेसिकली? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं, मतलब इनका काम है प्रोटीन बनाना। तो ये ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से प्रोटीन जो बनता है उसमें राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे राइबोसोम्स कई बार आपको एक सिंगल एमआरएनए पर अटैच दिखेंगे। एमआरएनए क्या है बच्चा? एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब देखो आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए में है हमारी पास पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या प्रोटीन बनना है, कैसे बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन वो रख के बैठा है। बट उसके पास इंफॉर्मेशन तो है पर उसे प्रोटीन बनवाते नहीं आता, तो वो क्या करता है अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एक मैसेंजर आरएनए में। तो इस डीएनए को रीड कर करके एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है कि उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसे रीड करो और उसे रीड करके क्या बनाओ, एमआरएनए बनाओ। तो इस तरीके से पहले एक एमआरएनए बनेगा। एक बार आपके पास एमआरएनए बन जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको ये करना है कि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करवा करवा के बनवाना है प्रोटीन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोटीन बन नहीं पा रहा। तो हमने डीएनए को देखा, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से एक एमआरएनए बनवाया। इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगेन 12th क्लास का टॉपिक है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है अभी, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। डीएनए है सेल में, उसको देखकर हम आरएनए बना रहे हैं। आरएनए प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला है क्योंकि डीएनए के अंदर ना बहुत इंफॉर्मेशन है, ढेर सारी, सबका प्रोटीन नहीं बनाना है। तो क्या इंफॉर्मेशन काम की है उसके हिसाब से ये एमआरएनए बन जाएगा। एक बार एमआरएनए बन जाता है ना तो ये पूरी काम की इंफॉर्मेशन है, इसी से प्रोटीन बनवाना है। तो इसको देख देख कर फिर हमारे राइबोसोम्स प्रोटीन बनवाने का काम करते हैं, तो ये जो स्टेप होती है इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स ये साथ में इस तरीके से कंबाइन करते हैं और प्रोटीन बनवाते हैं। इसी में आप इमेजिन करो कि एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम साथ में जाकर अटैच हो जाए, तो इस तरीके से अगर बहुत सारे साथ में जाकर अटैच हो गए तो फिर ये चेन कहलाने लगती है पॉलीराइबोसोम की चेन, या फिर इसे हम बेटा पॉलीजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। तो जब बहुत सारे
राइबोसोम्स आपको mRNA की एक चेन में अटैच्ड दिखें तो इसे आप पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बुलाओगे। जितने भी राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं ना पॉलीसोम में, इनका काम है ट्रांसलेट करना mRNA को इनटू प्रोटीन्स। मतलब mRNA के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके डायरेक्टली उसे प्रोटीन बनवा देना। दिस इज द फंक्शन ऑफ योर राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कोड विच इज देयर इन द RNA, mRNA एंड मेकिंग अ प्रोटीन आउट ऑफ इट। तो जैसे मैं आपको एक सीनरी दे दूं और बोलूं चलो इसको कॉपी करो, तो आप जैसे उसको पढ़ पढ़ के ड्रॉ करोगे ना, उसी तरीके से वहाँ इन्फॉर्मेशन है। मैंने लिखा है उसमें कि स्ट्रेट लाइन बनाना, फिर कर्व करना, उसी तरीके से आप करोगे। तो मतलब आप उस चीज़ के लिए ट्रांसलेशन करवा रहे हो, आप उस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हो और एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये होता है हमारा राइबोसोम, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम की कहानी। आई होप हमें ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, 70S राइबोसोम याद रखना है, बहुत सारे राइबोसोम्स एक mRNA से अटैच्ड है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कह रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं बच्चा, दिस इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज ना इतनी देर से तो सुना रहे हो, कह रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स दिखा रही है, इंक्लूजन बॉडीज हम कह रहे हैं। तो अब ये दूसरा क्या है भैया? यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिजर्व मटीरियल जितना भी होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि इसके पास वैक्यूल नहीं है, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल नहीं है, तो ये अपना सारा रिजर्व मटीरियल या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर करे, साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखता है इंक्लूजन बॉडीज बना के। तो साइटोप्लाज्म में ये सारा मटीरियल इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। इंक्लूजन बॉडीज के बाहर अगेन कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी बेटा, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स भी मिल सकते हैं। ये सारे ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये सारे इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, जो जो लिखा है वो करेंगे, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडीज कहलाते हैं। कोई मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग इनके बाहर नहीं मिलने वाली। ऐसे ही जब हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गे की या फिर पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर आपको एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं गैस वैक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गे में और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, मतलब वो स्ट्रक्चर्स या वो बैक्टीरियल सेल्स या वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, उनमें आपको इंक्लूजन बॉडीज के नाम पे गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स, ये नॉर्मल वैक्यूल्स नहीं है, ये गैस वैक्यूल्स है, मतलब इनके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है, वो गैस सिर्फ उतने एरिया में कन्फाइंड रहती है, और इस चीज को फिर हम गैस वैक्यूल बुलाते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या याद रखेंगे हम कि रिजर्व करने के लिए, फूड मटेरियल भर के रखने के लिए इनके पास कुछ इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं। ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं साइटोप्लाज्म में मिलेंगी, कोई मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट नहीं है। क्या क्या हो सकती हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकती हैं, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स हो सकती हैं या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकती हैं। गैस वैक्यूल मिलेंगे पर ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज के साथ फाइनली हम अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस फटाफट। तो इसके हम क्वेश्चंस देखें बच्चा, उससे पहले आप लोग बहुत जल्दी से अपनी बुक के पन्ने पलट लो, फटाफट से एक सिंगल रिकॉल कर लो, ताकि जब आप क्वेश्चंस देखो तो आप आंसर कर पाओ। चलो मैं हटा देती हूँ वरना बोलोगे मैम चीटिंग हो गई। तो फटाफट देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं हर दिन बताऊंगी आपको यही बात कि समझना यही ज़रूरी है कि क्वेश्चन आता कैसे है। पढ़ तो हम कितनी दफ़ा भी सकते हैं, बट सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है। तो 2 सेकेंड में देख लो और फिर हम अपन फटाक से आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, देखते ही जाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या सही है? 4 ऑप्शन है बेटा, हिस्टोन नहीं होते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप नहीं होता, सिंगल सर्क्यूलर DNA मॉलिक्यूल उसके अंदर होता है, और ऑप्शन है D कि सब कुछ सही है,
सब कुछ सही है। तो बिल्कुल हिस्टोन मॉलिक्यूल्स नहीं है, बुक में लिखा था नेकेड डीएनए है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तभी तो प्रोकैरियोटिक है, सिंगल क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर डीएनए, क्लियर कट बुक की लाइन है, मतलब ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। तो कोई डाउट है क्या इस बारे में? कौन होते हैं वो सुपर पावर वाले? प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा है, खुद से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्क्यूलर है, नेकेड डीएनए के बने हैं और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल्स में मिल जाते हैं, इनको हम बुलाते हैं प्लाज्मिड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोट्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश दैन द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं? जनरली छोटे हैं पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फास्टर। तो साइज में छोटे हैं पर मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स दैट इज कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स लाइक साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। एक्स कुड बी, देखो भैया यहां पर भी एक्स वाई जेड होने लगा है, तो भले ही ये मैथ्स नहीं है पर यहां पर भी एक्स को फाइंड करने बोला गया है, तो एक्स को ढूंढना यहां भी जरूरी है। अब यहां पूछा है एक्स वो स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करके रख रहा है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है, मेम्ब्रेन नहीं है, क्या हो सकते हैं ये? होते हैं इंक्लूजन बॉडी। वेरी नाइस, तो आंसर हो जाएगा सी, इंक्लूजन बॉडीज। देन हम मूव करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज, बैक्टीरियल फ्लैजेला का सबसे लंबा पोर्शन क्या होता है? तो मैम विदाउट अ डाउट होता है फिलामेंट, हमें बिल्कुल समझ आ गया है कि फिलामेंट है लंबा सा पोर्शन, बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स जो म्यूसिलेज की शीथ भी हो सकता है ऑफ अ बैक्टीरियल सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ कॉल्ड डैश और इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड डैश। तो मैम थिक एंड टफ तो कैप्स्यूल है, लूज शीट स्लाइम लेयर ही तो थी, तो इसमें से आंसर चूज कर दो बी। तो मैम बिल्कुल चूज कर दिया आपके लिए आंसर बी, बी है इसका करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर आते वक्त करेक्ट सीक्वेंस बताने। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वाह खुद ही लिख दिया, मीजोसोम्स आर प्रेजेंट इन ग्रोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा ये 1 है, ये 2 है, तीसरे में लिख दिया दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, और फोर्थ में लिख दिया दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करना क्या है? चूज करके बताना है कि क्या सही है, चूज करके बताना है मीजोसोम के लिए क्या सही है, सो चूज द करेक्ट 1 फॉर मीजोसोम। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि चूज करो कि करेक्ट क्या है। तो देखो मीजोसोम इनफोल्डिंग्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, 1 मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते मुझे 2 गलत लग रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मुझे बात सही लग रही है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करके देते हैं मुझे ये बात भी सही लग रही है। तो बेसिकली मुझे जो आंसर सही लग रहे हैं वो है 1, 3 और 4। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 3 एंड 4। उल्टा भी पूछ सकती थी मैं आपसे कि इनमें से क्या क्या गलत है मीजोसोम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे बुक से डायरेक्ट और हमें चूज करना होगा क्या सही है और क्या गलत। अब यहां देखो, यहां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, आई होप आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। फर्स्ट जो डायग्राम है ये डायग्राम है बेटा एक टिपिकल बैक्टीरिया का, ये डायग्राम है पीपीएलओ का, ये डायग्राम है वायरस का। अब इनमें से पूछा है कि इसमें किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और यहां ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो बेशक किसी में भी नहीं होता, तो ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रिमूव द फिम्ब्रे फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। मतलब इनडायरेक्टली हमसे फिम्ब्रे का फंक्शन पूछ रहे हैं कि अगर फिम्ब्रे हटा दूंगी तो क्या नहीं होगा या क्या हो जाएगा। तो फिम्ब्रे का क्या काम है? अटैचमेंट। फिम्ब्रे नहीं होगा तो मेरा बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाएगा? किसी सरफेस पे अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहां लिखा है स्विम नहीं कर पाएगा, नहीं भैया मूवमेंट कराना इसका काम ही नहीं है। द बैक्टीरिया वुड नॉट अडहेयर टू द होस्ट टिश्यू, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड स्टॉप, द शेप ऑफ द बैक्टीरिया वुड चेंज। तो इनमें से कोई भी काम नहीं है उसका, बी उसका करेक्ट काम है।
कि वो अडहेरेंस में होस्ट टिश्यू से या फिर रॉक्स वॉक्स से चिपकाने में उसको मदद करता है. इफ एम्ब्रे इज एबसेंट दिस थिंग वॉन्ट हैपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. टाइप ऑफ राइबोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज टू बी 70S राइबोसोम. हैज टू बी 70S टाइप राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स. कि राइबोसोम्स में के लोग को लेकर इन सब में से क्या करेक्ट नहीं है. राइबोसोम्स को लेकर इन सब में से क्या करेक्ट नहीं है. राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ER के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होते हैं, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं. क्या पूछा है? गलत क्या है. नॉट करेक्ट का क्या मतलब होता है? रॉन्ग. तो इनमें से क्या गलत लिखा है आपको ये ढूंढ के बताना है. देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये चीज बिल्कुल सही है. साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल सही है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलते हैं, बिल्कुल सही है. इन दोनों के अंदर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. और प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13. पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ. पॉलीराइबोसोम्स क्या है? बहुत सारे राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA. बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA. सो दिस इज पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम. नाउ वी विल बी आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट. ठीक है, यूकैरियोट मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, पर उसके बाद भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर कि इनमें से कौन यूकैरियोट नहीं है. ठीक है, कौन यूकैरियोट नहीं है. अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अभी देने में दिक्कत आ सकती है. क्यों आ सकती है? क्योंकि तुम लोगों ने किंगडम मोनेरा नहीं पढ़ा है ना, हमने सीधे चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 नहीं देखा है. तो अगर हम वो पढ़ लेते तो तुम लोग को पता होता कि ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है एनाबीना और नॉस्टॉक. तो एनाबीना नॉस्टॉक ये हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे. और ये क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, मतलब ये प्रोकैरियोट्स हैं. यूग्लिना, स्पाइरोगायरा, एगारिकस सबके सब यूकैरियोट्स हैं. यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, स्पाइरोगायरा एक प्लांट है और एगारिकस एक फंजाय है. तो इस तरीके से हम ये आंसर डील करते. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड टू मेनी यूकैरियोट्स. इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कॉमन है किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए और बहुत सारे यूकैरियोट्स के लिए. तो इसमें लिखा है कि क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसमें लिखा है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सबसेल्युलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, बहुत सारे यूकैरियोट्स में भी होता है. तो देखो, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं होता, क्रोमैटिन मटेरियल बिल्कुल नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बिल्कुल नहीं होती. बट काफी सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है और काफी सारे यूकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी बी, सेल वॉल प्रेजेंट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच इज एन अजर्शन रीजन क्वेश्चन. पहला स्टेटमेंट है बेटा, पिल्लाई आर नॉन मोटाइल अपेंडिजेस ऑफ बैक्टीरिया. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी मैम, बेशक ट्रू है. सेकेंड है, पिल्लाई टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. तो मैंने आपसे कहा कॉन्जुगेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका जिसमें दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं, एक कॉन्जुगेशन की ट्यूब बनती है और मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है. तो बिल्लाई इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. बट क्या ये इसका करेक्ट रीजन है कि वो नॉन मोटाइल है अपेंडेज बैक्टीरिया का? नहीं. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आंसर जाता है कि assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन assertion का करेक्ट रीजन नहीं है. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चला जाएगा बी. तो assertion रीजन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे. देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, वहां पे भी देने चाहिए थे. अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, किनमें से क्या गलत है. अब लिखा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. यहाँ लिखा है पिल्लाई आर फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. यहाँ लिखा है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स. और यहाँ लिखा है माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब अज्यूम कर लो कि तुमने बाकी तीन स्टेटमेंट सुने ही नहीं है. ठीक है, एक स्टेटमेंट लेकिन बुक का है जिसके बारे में तुम्हें पता है कि वो है ये वाला. वो क्या है कि पिल्लाई और फिम्ब्रे मोटिलिटी में बैक्टीरियल सेल के इन्वॉल्व्ड बिल्कुल नहीं होते. तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही है भैया, बाकी तीनों स्टेटमेंट लेकिन करेक्ट हैं. तो ये भी हम देख लें एक बार कि हाँ, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, ट्रू है. साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते हैं और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है. गलत क्या है कि पिल्लाई और फिम्ब्रे
मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। पिल्ला है, कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, फिम्बरे अटैचमेंट या अडेरेंस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट है पिल्ला आर टैब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, और रीजन है फॉर्मेशन ऑफ पिल्ला इज कंट्रोल्ड बाय एफ प्लस और फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है कि पिल्ला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, जी ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि पिल्ला का जो फॉर्मेशन है वो एफ फैक्टर कंट्रोल करता है। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट और एफ दो फैक्टर्स हैं जो पिल्ला का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो ये चीज भी बिल्कुल सही है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन में हेल्प कराएगा और बनेगा कैसे, एफ फैक्टर की मदद से बनेगा। तो ये दोनों चीजें अपने आप में एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट पिल्लाए कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि उनका फॉर्मेशन फर्टिलिटी फैक्टर कराता है। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट एक दूसरे के रीजन नहीं है, ये ऊपर होता वो नीचे होता तो हो सकता थे, अभी नहीं है, तो इसका भी आंसर चला जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोसोम मिलेगा बेशक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ जी मैम बिल्कुल, राइबोसोम एक लौता तो स्ट्रक्चर है जो मिलता है, तो क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगा ना मैम, तभी तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आंसर है हमारा सी, न्यूक्लियर एनवेलप। मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इन सब में से किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब देखो पेनिसिलियम, अगैरिकस, वॉलवॉक्स और नोस्टॉक, अभी अभी क्या बताया मैंने तुम्हें कि साइनो बैक्टीरिया होते हैं एनाबीना और नोस्टॉक, तो यहां पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, डी नोस्टॉक, तो ये साइनो बैक्टीरिया का नाम है इसीलिए डी ऑप्शन सही है। पेनिसिलियम अगैरिकस दोनों क्या है, फंजाए हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वॉलवॉक्स क्या है, एल्गे है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहां से हमने काफी सारे क्वेश्चंस बच्चा समझ लिए हैं। सो विद दिस वील बी वाइंडिंग अप आवर लेक्चर फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद द यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट विल यू बी डूइंग, यू विल बी स्टडीइंग योर एनसीईआरटी बुक रियली नाइसली, रियली थरोली, लाइक द वे इट शुड बी रेड। तो बुक ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि आज खोली कुछ और देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, गाना सुन रहे थे और पन्ने पलट लिए, नहीं, बुक ऐसे पढ़ी जाती है कि एक कमरे में शांत दिमाग से बैठना पड़ता है, हर वर्ड पे ध्यान देना पड़ता है, हर डायग्राम, हर फिगर, हर चीज को ढंग से देखना है। इट्स लाइक गोइंग टू अ न्यू प्लेस एंड सीइंग ऑल द ब्यूटिफुल मार्वल्स। सब चीज को बहुत अच्छे से देखते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, वाओ, उस तरीके से बुक पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार इस क्लास में तो रोज आते हैं इसे कौन देखे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कहीं कोई डाउट आएगा तो ड्रॉप बॉक्स में कमेंट करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स वील बी सॉल्विंग इट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस, गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड एंड गेट प्रिपेयर्ड। एज आई टोल्ड यू, लेट अस बी योर गाइडिंग लाइट सो दैट वी कैन लेट यू अचीव योर ड्रीम डेस्टिनेशन, दैट इज अ सीट इन अ मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज। So with that note in mind, with that zeal and enthusiasm, we'll be ending our lecture for today. But I'll be seeing you again tomorrow with a brand new topic that is going to be eukaryotic cell. So till then, do give it a nice reading. Have a nice day. Take care. Thank you. Bye-bye.